बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये जो दरमियान वाले आर्टिकल हैं ये आपके ALP में शामिल नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन है, आ साइनसोइडल करंट हैज RMS वैल्यूज ऑफ 10 एम्पीयर, व्हाट इज द मैक्सिमम आर पीक वैल्यू। आपको RMS वैल्यू दी गई है करंट की, आपने इसकी पीक वैल्यू निकालनी है। तो IRMS जो है ये क्वेश्चन है 16.1। तो IRMS की वैल्यू दी गई है रूट मीन स्क्वायर करंट जो हमें दिया गया है वो 10 एम्पीयर है। आपसे पीक वैल्यू जो है वो पूछी गई है। तो आपको पता है IRMS जो होता है वो होता है मैक्सिमम या पीक वैल्यू ओवर 2 अंडर रूट, या इसको कह सकते हैं 0.707 ऑफ आई नॉट। इसका क्या मतलब हुआ कि आई नॉट जो होगा वो IRMS ओवर 0.707 आएगा। तो ये 10 ऊपर चला गया एम्पेयर, 0.7 से डिवाइड करें तो ये आता है तकरीबन 14 एम्पेयर। तो ये कैलकुलेट करके देख लेना। तो इस तरह आप RMS की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो करंट की है, वोल्टेज की भी इसी तरह वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस दैट विल परमिट फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और दूसरा इसका पार्ट है, परमिट फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बट नॉट द डायरेक्ट करंट। आपने एक ऐसा डिवाइस बताना है, बल्कि यहां ये देखते हैं क्यू, ये क्वेश्चन है 16.2। आपने एक ऐसा डिवाइस बताना है जो कि डायरेक्ट करंट को तो अपोज करता है लेकिन अल्टरनेटिव करंट को वो फ्लो करवा देता है। परमिट फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट नहीं, फ्लो सॉरी डायरेक्ट करंट को तो वो फ्लो करवा देता है लेकिन बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिव करंट, अपोज करता है अल्टरनेटिंग करंट को वो अपोज करता है। आप देखिए कि हमने ये पढ़ा था कि जो इंडक्टर होता है वो क्या करता है, इंडक्टर जो है उसकी जो रिएक्टर्स होती है, इसका आंसर क्या आएगा इंडक्टर, आप उसकी वजाहत करेंगे। ये जो है इसका आंसर है इंडक्टर। आपने कहना है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होती है XL जो होता है वो ओमेगा L के इक्वल होता है और ये आ जाएगा 2πfL। तो फॉर DC F इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ, इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है XL जो है वो जीरो के इक्वल हो सॉरी जीरो के बराबर होगी। जब इसकी रिएक्टेंस जो जीरो के इक्वल होगी इसका मतलब ये हुआ कि डीसी जो है उसको किसी किस्म की ऑपोजिशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, डीसी जो है वो फ्लो हो जाएगी। लेकिन देखें जो एसी के लिए क्या होता है, फॉर एसी एफ डज नॉट इक्वल टू जीरो, और हमारी ये जो एसी है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ जो 50 हर्ट्ज के बराबर होती है। इसका मतलब ये जीरो के बराबर नहीं, हम जो एसी इस्तेमाल करते हैं ना ये पाकिस्तान में 60 है, यानी कि ये सारे के सारे जो क्या कहते हैं कि इंग्लैंड के ज़ेर असर इलाके रहे हैं वो जो हैं उनमें फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज ही इस्तेमाल होती है, लेकिन अमेरिका जो है वो इस्तेमाल करता है उनकी, यानी कि वहां जो सप्लाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 60 हर्ट्ज होती है। तो बहरहाल हम जो है 50 हर्ट्ज इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये जो हमारे एसी होती है इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के बराबर होती है। तो चूंकि एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो जीरो नहीं होती, इसका क्या मतलब हुआ कि XL जो है वो जीरो नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि एसी को ये इंडक्टर जो है अपोज करता है, एसी को अपोज करता है, यानी कि XL चूंकि जीरो के बराबर नहीं है इसका मतलब ये रेजिस्ट करता है एसी को, इंडक्टर जो है एसी को रेजिस्ट करता है, जबकि डीसी को
किसी किस्म के रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है इंडक्टर की वो जीरो के बराबर हो जाती है डीसी के लिए। अब दूसरी बात के परमिट फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बट नॉट द डायरेक्ट करंट, तो ये बी पार्ट है इसका। हम कहेंगे कि यह है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर जो है इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है एक्ससी जो होता है वन ओवर ओमेगा सी के इक्वल हो गया, इसको हम कह सकते हैं टू पाई एफ सी। अब फिर वही बात फॉर एसी फॉर डीसी एफ इज इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब हुआ? एक्ससी इज इक्वल टू वन ओवर जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो यहां से ये हमने कंक्लूड किया कि डीसी के लिए इसकी जो रिएक्टेंस है वो इन्फिनिटी है, ओपन सर्किट के तौर पर काम करता है, यानी कि जो डीसी है वो कैपेसिटर के थ्रू पास नहीं हो सकता। उसके मुकाबले में आर एसी एफ डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब हुआ? एक्स सी जो होगा वो होगा वन ओवर समथिंग, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स सी की वैल्यू जो होगी वो जीरो की बजाय यहां ग्रेटर देन जीरो होगी। तो डेफिनेटली ये वैल्यू जो है हमारी इन्फिनिट नहीं आएगी बल्कि ये एक्सी की वैल्यू लिमिटेड होगी, एक्सी की वैल्यू लिमिटेड होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एसी को फ्लो होने देता है जबकि डीसी को ब्लॉक कर देता है। ये देखिए दोनों जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं जबरदस्त किस्म के हैं कि परमिट फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग, अपोज करता है ब्लॉक नहीं करता, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर ब्लॉक भी ऐसे कर देता है इंडक्टर जो है इसको एसी को। लेकिन जो हमारा कैपेसिटर होता है वो तो डीसी को ब्लॉक कर देता है, यानी कि उसके लिए इसकी रिएक्टेंस जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच करती है, ओपन सर्किट के तौर पर काम करता है कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड विल एन इनकैंडेसेंट लैंप रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सोर्स, यानी कि हमारा सोर्स जो है एसी सोर्स जो है वो 50 हर्ट्ज है, तो एक बल्ब जो है वो अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस जो है एक सेकंड में कितनी बार अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस तक पहुंचेगा। ये देखिए हमने ये एसी सोर्स लगा दिया, यहां बल्ब है, तो एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो दी गई है वो है 50 हर्ट्ज। अब ये हमारा बल्ब जो है वो एनर्जी कंज्यूम करता है और जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? इसकी रेजिस्टेंस कह लें कि इसके जो फिलामेंट है उसके रेजिस्टेंस जो है वो आर के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो होती है वो होती है पावर और टाइम का प्रोडक्ट। अब पावर किसके बराबर होगी? ये होगा आई स्क्वायर आर और ये टी आएगा। अब यहां देखें क्योंकि आई का स्क्वायर इस्तेमाल हो रहा है, तो जब आई का स्क्वायर इस्तेमाल होगा तो एसी में तो ये होता है कि उसका आधा साइकिल पॉजिटिव आधा साइकिल नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये आई और टी का ग्राफ आएगा। लेकिन आई स्क्वायर का और टी का जो ग्राफ आएगा वो किस तरह का आएगा? ये देखें, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि आई स्क्वायर का ग्राफ कुछ यूं आएगा। ये आई स्क्वायर का ग्राफ आता है, अब ये देखिए यहां से लेकर यहां तक इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ, लेकिन हमारी जो पावर है उसके साइकिल कितने कंप्लीट हो गए? यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल हो गया, यहां से लेकर यहां तक दो साइकिल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो जो पावर है हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इससे डबल हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव का जो स्क्वायर होगा वो भी पॉजिटिव आएगा। ये देखिए, ये हमने जब आरएमएस वैल्यू निकाली थी तो उस वक्त आपको याद होगा हमने यही टेक्निक इस्तेमाल की थी कि ये आपके पास ग्राफ है, वहां तो वोल्टेज का हमने कहा था, इसको करंट का भी ग्राफ कह सकते हैं। तो आई का ग्राफ जो इस तरह का बनता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एसी का, लेकिन
आइसकेयर का ग्राफ, ये है आइसकेयर का ग्राफ। आइसकेयर का ग्राफ किस तरह का बनेगा? आइसकेयर का ग्राफ कुछ यूं बनेगा, और ये देखे, ये उस वक्त भी हमने डिस्कस किया था कि जब क्वांटिटी लेस देन वन होती है तो उसका स्केयर लेस हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ मैंने रेड मार्कर से ड्रा किया है उसकी वैल्यू यहां ये ब्लैक से कम है। मीन जब क्वांटिटी लेस देन वन होती है तो इसका स्केयर जो होगा वो मजीद लेस हो जाता है, 0.01 के इक्वल आता है, तो 0.1 का स्केयर और कम हो गया। इसलिए यहां देखिए ये ग्राफ इस ग्राफ से नीचे आता है, यहां पे ये 1 है, यानी कि 1 का स्केयर जो है वो 1 के इक्वल ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहां यहां इसी तरह यहां। अच्छा, अगली बात इसमें क्या है कि जो नेगेटिव हाफ आ रहा है जब उसका स्केयर लेंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसी की अगर फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है तो आई का स्केयर जो है या पावर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं या एनर्जी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें चूंकि आई की सिंगल पावर नहीं आती, स्केयर आता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अब इसके साइकिल कितने बनेंगे, ये देखिए एक साइकिल यहां से यहां तक बन गई ये रेड का आई स्केयर का, दूसरा साइकिल यहां से यहां तक बन गया। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है एसी की वो 50 हर्ट्ज होगी तो जो पावर या एनर्जी हम उसको दे रहे हैं उस एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी एफ डैश कह रहे हैं वो 100 हर्ट्ज के बराबर होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जब इस बल्ब को हम 50 हर्ट्ज वाली जो एसी है उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो बल्ब एक तो यहां इस पीक पे अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस अटेन करेगा, दूसरा इस पीक के ऊपर करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर एक सेकंड में 50 इसके साइकिल कंप्लीट होते हैं तो जो ब्रिलियंस है वो इसका डबल हो जाएगी, यानी कि ब्रिलियंस की जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी का डबल हो जाएगी। 100 टाइम एक सेकंड में 100 दफा जो बल्ब है वो अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस को अटेन करेगा, एक पॉजिटिव हाफ के लिए एक नेगेटिव हाफ के लिए। जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा बल्ब जो है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ब्रिलियंस की वो 100 होगी, 100 बार एक सेकंड के अंदर 100 बार उसकी मैक्सिमम ब्रिलियंस जो है वो अटेन करेगा। अच्छा, यहां बात एक और, फिर तो आप ये समझते होंगे कि ऐसा फिर हमें तो महसूस नहीं होता, बल्ब की जो रोशनी होती है वो हमें तो कॉन्स्टेंट महसूस होती है। तो बेटे आपको पता है हमारी जो आंख है उसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का लाइट का जो इमेज अपना इफेक्ट होता है उसका असर सेकंड के 10वें हिस्से तक रहता है, यानी कि 1/10 सेकंड तक रहता है। तो जब वो 100 बार जो है वाइब्रेट करेगी एक सेकंड के अंदर तो हमें महसूस नहीं होगा, तो हम अपनी नेकेड आई से उसको महसूस नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, अ सर्किट कंटेन्स एन आयरन कोर इंडक्टर, अ स्विच एंड अ डीसी सोर्स अरेंज्ड इन सीरीज, द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर एन इंटरवल रीओपन, एक्सप्लेन व्हाई अ स्पार्क जंप्स अक्रॉस द स्विचिंग स्विच कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट। कहता ही है कि आपके पास एक इस तरह का सर्किट है, उसमें एक डीसी सोर्स लगा हुआ है, एक उसमें इंडक्टर है मीन चोक है, उसकी कोर जो है आयरन की बनी हुई है, चोक जो होती है वो आयरन कोर इंडक्टर होती है, उसके सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप्स होती है उसके अंदर ताकि उसके इंडक्टेंस जो है बहुत ज्यादा की जा सके। और इसको हाँ, एक तो इसमें डीसी सोर्स है और एक स्विच है और एक इंडक्टर है, ये डीसी सोर्स है सॉरी ये क्वेश्चन है चौथा 16.4। यहां स्विच लगा हुआ है, यहां हमने इंडक्टर लगा दिया। अब हमने क्या किया, कहता है कि हम इसको क्लोज करके थोड़ी देर के बाद ओपन डम करते हैं,
यहाँ पे एक स्पार्क जो है वो डिवेल्प होता है, यानी कि यहाँ स्पार्किंग होती है, ये ऐसे समझने के इसमें जो एयर है वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो कहते हैं उसकी क्या वजह है, ये देखें जब हमने इसको ऑन किया तो क्या होगा, कुछ देर बाद इसमें करंट जो है वो स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। यानी कि हमने ये पढ़ा था कि अगर इसका स्विच जो है वो ऑन करते हैं तो टाइम और करंट के दरमियान अगर हम ग्राफ ड्रा करें इंडक्टर सर्किट का तो वो कुछ यूं बनेगा। यानी कि ये आपके पास इसका ग्राफ जो है कुछ यूं बनेगा, टाइम के साथ साथ करंट इंक्रीज होता जाएगा और फिर ये स्मूथ होगा। ये सडनली करंट जो है वो इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, उसकी रीजन क्या है? रीजन उसकी ये है कि जब हम इसका स्विच ऑन करते हैं इनिशियली करंट जीरो के बराबर था, अब करंट चेंज होना शुरू हो गया, तो चेंज इन करंट की वजह से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से यहाँ करंट इंड्यूस हुआ, वो इंड्यूस करंट जो है इस करंट को अपोज करेगा, जिसकी वजह से ये करंट सडनली मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं करेगा बल्कि ग्रेजुअली अटेन करेगा। अब कहता है कि हमने इसको थोड़ी देर के लिए ऑन किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल ये इतने टाइम के लिए हमें इसको ऑन कर सकते हमने ऑन कर दिया है, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई पी। अब दोबारा जब इसको ओपन करते हैं तो क्या होता है, जब वो ओपन करते हैं तो यहाँ एक स्पार्क डिवेल्प होता है, उसकी क्या वजह है? ये देखिए जब हमने इसको ओपन किया तो जाहिर है सर्किट का करंट जो है वो जीरो होना चाहता है, लेकिन इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर जो है क्योंकि उसका फ्लक्स फिर चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा। अब ये इंड्यूस करंट जो है इसी करंट को सस्टेन करने की कोशिश करेगा, नतीजा ये निकलेगा कि यहां से ये देखिए यहां से ये चार्जेस जो है इधर खींचने की कोशिश करेगा, रिजल्ट ये बनेगा कि यहां जो है इसका पोटेंशियल है इस पॉइंट का बहुत डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा कॉन्टैक्ट है ये वाला कॉन्टैक्ट जो है ये वेरी लो पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा, क्योंकि चार्जेस जो है ये अलग पीछे से चार्ज आ नहीं रहे, यहां से ही खींचेगा ना ये सारे के सारे चार्ज है, जब यहां से चार्ज पॉजिटिव चार्ज खींचेगा तो यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल जो है बहुत ज्यादा डिवेलप हो जाता है। यहाँ जो है पॉजिटिव टर्मिनल्स के साथ लगा हुआ ये नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ स्पार्किंग होती है। तो आपने भी देखा होगा पंखा जो है खासतौर पर जब ऑन करते हैं फिर ऑफ करते हैं तो उस वक्त ये जो स्विच होता है इसमें स्पार्किंग होती है, इसकी भी यही वजह होती है। तो मतलब यहाँ देखें कि इंड्यूस करंट जो है यहाँ पे वेरी लो पोटेंशियल जनरेट कर देता है, तो जिसकी वजह से यह जो दोनों कॉन्टेक्ट है इसके दरमियान जो एयर आती है वो डिस्चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से स्पार्क बनता है। अब अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कि हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी इफेक्टेड द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर ऑफ अ कैपेसिटर। कहता यह है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हैं तो उससे इंडक्टिव रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। यानी कि देखिए एक्स सी जो होता है, एक्स एल है, हाँ एक्स एल जो होता है वो 2πfL के इक्वल होता है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल कर देते हैं तो एक्स डैश किसके बराबर होगा, 2π 2f इंटू एल, फ्रीक्वेंसी डबल कर दी। अब फ्रीक्वेंसी डबल कर दी है तो ये 2 जो है उसको बाहर निकालें, बाकी क्या बचेगा, 2πfL, लेकिन 2πfL किसके इक्वल है, ये xL के इक्वल है। इसका मतलब ये होगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस डबल हो जाएगी अगर हम फ्रीक्वेंसी जो है इसी की वो डबल कर देते हैं। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है डबल कर देते हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी डबल हो जाएगी। उसके मुकाबले में कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये ए कह रहे ये बी कह रहे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है एक्स सी वो होता है 1/2πfC के इक्वल। अब एक्स सी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2π 2f, जिनके फ्रीक्वेंसी हमने डबल कर दी है, तो ये 1/2 को कॉमन निकाल लें बाहर निकाल लें तो 1/2πfC आ जाएगा, लेकिन 1/2πfC
सी जो है एक्स सी के इक्वल है, इसका मतलब यह है कि एक्स सी जो हो जाएगा 1/2 एक्स सी के इक्वल होगा, यानी कि नई जो रिएक्टेंस है कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो पहली रिएक्टेंस का आधा रह जाएगी, यानी कि वो डबल हो जाएगी और ये आधी रह जाएगी। अगला क्वेश्चन है इन आ आर एल सर्किट विल द करंट लैग और लीड द वोल्टेज स्ट्रेट योर आंसर बाय इलेक्ट्रो डायग्राम। कहता है एल आर सर्किट में करंट लीड करता है वोल्टेज को या लैगिंग बिहाइंड है, तो इसमें ये देखें हमारे पास है एल आर सर्किट, ये आपके पास ये क्वेश्चन है 6। तो ये एसी सोर्स है, हमने क्या किया इसके साथ एक रेजिस्टर लगा दिया है और एक इंडक्टर लगा दिया है, तो ये आर है ये एल है। तो आपको पता है कि वी आर जो होता है वह इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है कहते हैं कि आई आर एम एस है, तो आई आर एम एस हम कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस की तरफ है, ये है आई आर एम एस। तो करंट और वोल्टेज या करंट और रेजिस्टेंस जो होती है रेजिस्टर की वो एक दूसरे का पैरेलल होते हैं, यानी कि वी आर या आर इधर हम देंगे ये आर है, लेकिन जो इंडक्टर होता है उसमें वोल्टेज जो है वो करंट को लीड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो वोल्टेज है ये जो कहने के ये वी आर था ये है हमारे पास वी एल, तो वी एल जो है वो आई आर एम एस को लीड करता है 90 डिग्री। अब इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, ये हम जो वी एल है इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि ऐसे समझ लें कि ये आर था वी आर था और ये है वी एल, वी एल इधर है इसको इधर डिस्प्लेस कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा वी एल। इसका वोल्टेज जो है वी जो है वो किधर होगी, ये इधर होगी, ये वी आर एम एस होगी और ये एंगल कह लेंगे 5 के बराबर। तो अब करंट जो है एक्स एक्सिस की तरफ है और वोल्टेज जो है वो 5 एंगल बनाती है। तो कहता ये उसने पूछा विल द करंट लैग और लीड, करंट लैग कर रहा है, करंट लैग करता है कितना करता है 5 = tan−1 y/x, यानी कि y जो है यहां वी एल है और x जो है वी आर है, इसकी जगह वैल्यू आप पुट करें तो ये आ जाएगा tan−1 और वी एल की जगह क्या लिखेंगे आई आर एम एस ओमेगा एल और वी आर की जगह क्या लिखेंगे आई आर एम एस आर, तो ये आई से आर कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास 5 किसके इक्वल होगा tan−1 ओमेगा एल ओवर आर के इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल जो है इतना होगा और करंट वोल्टेज जो है करंट को लीड कर रही है या करंट जो है लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाई एन एंगल 5 और 5 = tan−1 ओमेगा एल ओवर आर आएगा।